Hi guys, so we are back with the topic wise current affairs. जैसे हमने पहले किया था we'll keep it quick and rapid. इसमें 75 plus questions है, 75 के round questions है. Topic है awards and recognition. सारे questions जो हम लोग सुबह 4 बजे session लेते हैं current affairs का, सारे questions उसमें से ही हैं. So I'm expecting कि आप इस आप इसमें maximum questions को जो है correct करेंगे. Topic मैंने आपको बता दिया है awards and recognition. फर्स्ट क्वेश्चन मैंने बहुत ही बेसिक और सिंपल सा रखा है ध्यान से देखोगे आंसर इजीली कर सकते हो राजीव गांधी खेल रतन पुरस्कार पुरस्कार का नाम बदलकर डैश कर दिया गया है बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है आई एम श्योर इसका आपको आंसर पता है ऑप्शन देख लीजिए करेक्ट आंसर देख लेंगे करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद खेल रतन पुरस्कार अब देखो अगेन अगर आप कोई भी अवार्ड का नाम चेंज करते हो और वो काफी टाइम से वही नाम चलता आ रहा था तो अगेन काफी कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट हो जाती हैं तो सेम इसमें भी यही था दो गुट बने हुए थे एक का कहना था कि इसका नाम चेंज करने का को कोई पॉइंट नहीं था आपने हमारी फीलिंग्स साथ खिलवाड़ किया है दूसरी साइड लोग थोड़े ऑप्टमिस्टिक होकर लाइक प्रॉपर से सोच रहे थे कि बिल्कुल ठीक डिसीजन है क्योंकि uh, खेल का कोई स्पोर्ट्स का अवार्ड है तो ऑफकोर्स uh, जो नाम है वो किसी स्पोर्ट्स पर्सन के नाम से ही होना चाहिए था तो यहाँ पे दो थॉट प्रोसेस थे बस आपको याद रखना है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर अब कर दिया गया है ऑप्शन नंबर सी मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार बिल्कुल सिंपल एंड वेरी क्वेश्चन नेक्स्ट देखो मरणोपरांत किसे देश के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है आपको बताना है ऑप्शंस आपके सामने करेक्ट आंसर बताइए देखो आपको चीजें क्या ध्यान रखनी होती है अशोक चक्र अवॉर्ड तो दिया गया है लेकिन यहाँ पे पूछा गया है पोस्ट ह्यूमसली यानी मरणोपरांत आफ्टर

तो आपको आइडिया तो लगेगा कि इन हीज नो मोर विद अस ही पास्ड अवे बट ही पास्ड अवे जब ये एनकाउंटर कर रहे थे टेररिस्ट्स को ये बात है 2020 की अगस्त 2020 की बात है ये तो एग्जैक्टली exactly एक महीना एक, एक साल तो हो ही चुका है श्रीनगर में अगस्त 2020 में ये टेररिस्ट एनकाउंटर में ही पास्ड अवे नेक्स्ट देखो किस देश के वैक्सीन वैज्ञानिक डॉक्टर फिरदौसी कादरी ने प्रतिष्ठित रमन मैक्से पुरस्कार दो जीता है अफगानिस्तान पाकिस्तान भारत बांग्लादेश क्वेश्चन है कि कौन सी कंट्री की वैक्सीन साइंटिस्ट जो है फिर फिरदौसी फिर कादरी इन्होंने जीता है प्रेस्टिजियस रमन मक्से अवार्ड दो हजार इक्कीस का ठीक है आंसर आपको बताना है इन द मीन टाइम अगर मैं बात करूं रमन मैक्से अवार्ड की तो इसको हम लोग एशियन वर्जन बोलते हैं किसका नोबल प्राइज का ठीक है इसको एशियन वर्जन बोलते हैं नोबल प्राइज का तो अगेन आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि एशियन वर्जन जो है नोबल प्राइज का किसको हम कहते हैं दैट केस आंसर आपका हो जाएगा रमन अवार्ड क्लियर है अब यहाँ पर जो आपको बताना है कि डॉक्टर फिरदौसी कादरी जो है कौन से देश की है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी बांग्लादेश नेक्स्ट देखो किस अर्थशास्त्री को पहले प्रोफेसर सीआर रोशताबी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इकोनॉमिस्ट के आपके इकोनॉमिस्ट uh, वाले टॉपिक से आपको रिलेटेड बहुत क्वेश्चन मिलने वाले सेशन में तो ध्यान से देखना uh, आपके सामने है करेक्ट आंसर बताना है टॉपिक uh, क्या है प्रोफेसर स्वर्ण पदक का पहला जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है ऑप्शन आई थिंक आपने देख लिए करेक्ट रहेगा ऑप्शन नंबर डी दोनों बी और सी जगदीश भगवती एंड सी रंगराजन जगदीश भगवती जो है एक प्रोफेसर ऑफ कोर्स इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर है ये कहां पर कोलंबिया यूनिवर्सिटी में एंड सी रंगराजन को तो वी ऑल नो ये हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर हैं इनको जो है इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है नेक्स्ट देखो हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को किस राज्य के महिलाओं के लिए सर्वोच्च सम्मान तीलू रौतेली पुरस्कार सम्मानित किया गया है सिर्फ ये भी पूछा जा सकता है कि तीलू रौतेली पुरस्कार जो है कौन से राज्य का सर्वोच्च सम्मान है इस तरीके से भी पूछा जा सकता है लेकिन उसने आपको एडिशनल पॉइंट ऐड करके दे दिया है कि अवार्ड किसको मिला है Uh, हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया को इसने ऐड कर दिया है करेक्ट आंसर आपको बताना है कि तिलू रौतेली पुरस्कार जो है अगेन कौन से स्टेट का है यह आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर देख लेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड अगर मैं पे बात करूं देखो अवार्ड के बदले में आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा जरूर मिलता है अलोंग uh, विद जो भी आपको प्ले किया साइटेशन मिलता है उसके साथ आपको कैश प्राइज मोर और लेस सब अवार्ड में होता ही है इस पर्टिकुलर अवार्ड की बात करें तो इसमें सरकार ने आईटी क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए राजीव गांधी पुरस्कार की घोषणा की है यानी आपको पता है जब भी हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स ई गवर्नेंस या ई पंचायत अवार्ड्स भी आपको आगे देखने को मिलेंगे जो ई e है ना आजकल दिस इज वर्किंग लाइक गोइंग अराउंड क्रेजीली आई सेक्टर में आपको बताना है कि राजीव गांधी अवार्ड फॉर जो है आईटी सेक्टर के लिए कौन सी स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, देख पे देख लेंगे. है C, यहां पर इसको किया कब गया है इसको जो है अनाउंस किया गया है ऑन ट्वेंटी राजीव गांधी की बर्थ एनिवर्सरी है तो काइंड kind ऑफ of उनको कमेमोरेट करने के लिए जो है एक आईटी सेक्टर के लिए अवार्ड को उनके नाम पर जो है रिलीज किया गया है ठीक है किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पर्यावरण विद सुंदरलाल बहुगुना की स्मृति में पुरस्कार की घोषणा की है सुंदरलाल वी ऑल नो चिपको मूवमेंट से हम उनके नाम को अच्छे से याद रखते हैं उसके अलावा मैं यहाँ पे ऐड कर दू आंसर आप करिए फटाफट फड़ से इसका जब भी हम लोग पर्यावरण विद या जिसको हम लोग बोलते हैं एनवायरमेंटलिस्ट जब भी हम लोग कंजर्वेशन एनवायरमेंटल ऐसे कोई भी टॉपिक

तो मैं हमेशा आपको एक ही चीज एक्सप्लेन करती हूँ एक ही चीज समझाती हूँ कि जब भी किसी एक पर्टिकुलर स्टेट का नाम या पर्टिकुलर पर्सनैलिटी का नाम या कोई भी अवार्ड जो है आपको रेपिटेटिवली कहीं पर देखने को मिलता है उसके बारे में हेडिंग लगा के उसकी वन पॉइंट टू पॉइंट करके ऐसे डिस्क्रिप्शन लिख लिया करो नहीं तो बहुत कंफ्यूजन हो जाती है फिलहाल अगर इस क्वेश्चन की बात करूं तो अगेन इसके लिए भी कैश प्राइस रखा गया है तो इसके लिए जो कैश प्राइस है वो अराउंड दो लाख रुपए का रखा गया है नेक्स्ट देखो 2021 के लिए पुणे के प्रतिष्ठित तो लोकमान्य तिलक तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे नामित किया गया है यानी पुणे का जो प्रेस्टिजियस अवार्ड है लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021 के लिए किसको एज ए रेसिपियंट नेम किया गया है ये आपको बताना है अगेन एक बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है एंड ऑप्शन uh, आपके सामने करेक्ट आंसर देख लेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर साइरस पूना वाला ठीक है अगर मैं बात करूं इन्होंने काम क्या किया है ना तो इन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए बहुत ज्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन किए हैं जिसके लिए इनको यह अवार्ड दिया गया है क्लियर है नेक्स्ट देखो किस राज्य ने पहले वन धन वार्षिक पुरस्कार 2020-21 पर सात राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं आपको बताना है वन धन एनुअल अवार्ड 2021 का में जो है सात नेशनल अवार्ड्स किस कौन से राज्य ने कौन से स्टेट ने जीते हैं आपको बताना है नागालैंड मणिपुर मिजोरम असम सारे वो एक ही एरिया के ही हो गए हैं करेक्ट आंसर जो यहां पर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए नागालैंड महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 से किसे, किसे सम्मानित किया जाएगा यह आपको बताना है महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2021 की बात हो रही है ऑप्शन देख लीजिए भोसले और मंगेशकर समेर वो ब्रदर सिस्टर्स वाला पूरा फैमिली सब चल रहा है करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी आशा भोसले क्लियर है आशा भोसले को जो है अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा एंड अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दस क्वेश्चन हम लोग कवर कर चुके हैं एंड आई एम होपिंग कि इसमें आपके अराउंड फाइव सिक्स क्वेश्चन करेक्ट फॉर श्योर होंगे नेक्स्ट देखो किस भारतीय अर्थशास्त्र को प्रतिष्ठित हम बोल्ड रिसर्च अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको बताना है इंडियन इकोनॉमिस्ट है जिनको प्रेस्टीजियस हम बोल्ड रिसर्च अवार्ड दिया गया है ये आपको बताना है गेन सारे नाम बहुत ही फेमस इकोनॉमिस्ट्स uh, के हैं अभिजीत बैनर्जी अमरत्या सेन कौशिक बसु रघुराम राजन फेमस अपनी इकोनॉमी की फील्ड में सब बहुत ही ज्यादा फेमस है करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर सी कौशिक बासु अगर इनकी रिसर्च की बात करें तो इन्होंने जो है अपना काम किया है बेसिकली अपना रिसर्च किया है इन गेम थ्योरी एंड आल्सो इन मॉरल फिलोसफी ठीक है कभी कभी आगे डिस्क्रिप्शन के हिसाब से भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपको थोड़ा डिटेल पता होनी चाहिए गेम थ्योरी एंड मॉरल फिलोसफी दोनों अलग अलग चीजें हैं तो कहीं ना कहीं इनकी रिसर्च जो है इस तरीके की रिसर्च के लिए इनको ये जो अवार्ड दिया गया है नेक्स्ट देखो किस भारतीय कार्यकर्ता को प्रतिष्ठित कॉमनवेल्थ कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है आपको बताना है करेक्ट uh, आंसर आप देख लोगे जल्दी से बताओ इन द मीन टाइम जो करेक्ट आंसर है उनके बारे में थोड़ा डिटेल बता देती हूँ वो एक बहुत ही फेमस हंगर एक्टिविस्ट है हम लोग कहते हैं कि एनवायरमेंटलिस्ट है या एनजीओ चलाते हैं बट ये इनका एक बहुत ही यूनिक सा ये एक हंगर एक्टिविस्ट है एंड ये पर डे बेसिस पे पंद्रह सौ लोगों को खाना खिलाते हैं एवरी डे हंगर का मतलब है भूख ठीक है उसके लिए ये कुछ काम कर रहे हैं तो पर डे पंद्रह सौ लोगों को ये खाना दे खिलाते ही खिलाते फीड करते ही करते हैं उसके अलावा इनका जो कैंपेन है ये जो इनका पूरा प्रोग्राम है इसका इन्होंने एक नाम दिया हुआ है दैट इज हंगर हैज नो रिलीजन ठीक है कि भूख का कोई धर्म नहीं होता है ये जो है कैंपेन का नाम है करेक्ट आंसर मैं आपसे अब आप पे डिस्कस कर लेती दैट इज ऑप्शन नंबर सी सैयद उस्मान मकसूसी ठीक है नाम देख लो जब यूनिक से होते हैं आपको एनीवेज थोड़ा सा स्ट्राइक रहता है जब भी आप नेक्स्ट टाइम इसे ऑप्शन में देखोगे ठीक है तो इनको जो है दिया गया है प्रेस्टीजियस कॉमनवेल्थ पॉइंट्स ऑफ लाइट अवार्ड नेक्स्ट देखो सरकार ने हाल ही में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार को लॉन्च करने की घोषणा की है तो सरकार जो है गवर्नमेंट है इन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया है कि एक अवार्ड को जो है शुरू करेंगे वो कौन सा अवार्ड है करेक्ट आंसर आप यहां पे देख लो कौन सा कौन सा है हिंदी में कंफ्यूजन हो रही है तो इंग्लिश में देख लो एक बार नेशनल सब जगह है वार्ड सब जगह है पैकेजिंग एक्सीलेंस में मार्केटिंग एक्सीलेंस में लॉजिस्टिक एक्सीलेंस में या फिर सप्लाई चेन में करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार को अनाउंस किया है यानी लॉजिस्टिक एक्सलेंस अवार्ड को जो है अनाउंस किया गया है बाय गवर्नमेंट क्लियर है नेक्स्ट देखो किस भारतीय फिल्म निर्माता की फिल्म अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ने कांस 2021 में सर्वश्रेष्ठ डॉक्यूमेंट्री का पुरस्कार जीता है आपको बताना है एक इंडियन फिल्म मेकर फिल्म है तुम्हारे लिए एनीवेज इंपॉर्टेंट है डॉक्यूमेंट्री का नाम बता दिया गया है अ नाइट ऑफ नोइंग नथिंग ठीक है इनको कान से ट्वेंटी में जो है बेस्ट डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है तो किसकी है फिल्म ये आपको बताना है ऑप्शन देख लो सिंपल से ऑप्शन सारे इंडियन नाम है ऑप्शन नंबर सी जो यहां पर पायल कपाड़िया बिल्कुल करेक्ट है मरणोपरांत मोहन बगान रतन अवार्ड के लिए किसे नामित किया गया है आपको बताना है अगेन ऑप्शन देख लो लेकिन द थिंग इज ये पोस्ट ह्यूमसली अवार्ड है मरने के बाद ये अवार्ड दिया गया है वो किसको दिया गया है आपको बताना है अगेन एक डायरेक्ट क्वेश्चन है कुछ डिस्कशन वाला पॉइंट नहीं है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी शिवाजी बैनर्जी नेक्स्ट देखो अगेन एक नॉवल का क्वेश्चन है उपन्यास एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक के लिए अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2021 जीतने वाले पहले फ्रांसीसी उपन्यासकार कौन बने हैं यानी फ्रेंच नॉवलिस्ट कौन बने है? आंसर हैं आंसर करिए द मीन टाइम अगर मैं आपसे थोड़ा और इसका डिटेल डिस्कस करूं तो नाम आपको समझ में आ रहा है इंग्लिश नाम है तो so, ये फ्रेंच ने जब लिखा होगा तो उनका टाइटल फ्रेंच में ही था ये एक इंग्लिश ट्रांसलेशन है जिसको अवार्ड मिला है ठीक है अवार्ड दिया गया है तो बट प्राइस तो of course, जो मेन होता है उसी ऑथर जो होता है उसी को ही जाता है तो इसको जो भी है वो आप आंसर करिए इन्होंने इनको जो इस पर्टिकुलर अवार्ड के बाद जो है कैश मनी दिया गया है फिफ्टी थाउजेंड पाउंड का मैं भी पी लिख रही हूँ समझ आना थाउजेंड पाउंड इनको जो है अवार्ड दिया है एंड इन्होंने जो अपना प्राइज है course, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया ऑल फ्रेंच है जो ये अवार्ड है इनकी इंग्लिश ट्रांसलेशन को मिला है तो इन्होंने जो अपना प्राइज मनी है ये इसको स्प्लिट किया है विद ट्रांसलेटर फिलहाल यहाँ पर जो फ्रेंच नॉवलिस्ट uh, है उनका नाम क्या है ऑप्शन नंबर ए डेविड डियो तो ये कैश मनी थोड़ा सा याद रखना नेक्स्ट देखो वर्ष 2021 के लिए कलिंग रतन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है अगेन सारे बहुत ही नो नाम है नवीन पटनायक विश्वभूषण हरिचंदन गणेशी लाल या फिर तमिलिसाई सौंदर तमिलिसाई तमिलीसाई भी एक ऐसा नाम है जिनके बारे में हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन पढ़ते हैं तो अगेन आई थिंक इस सेशन में उनका एक क्वेश्चन है बट uh, यहाँ पे बात हो रही है कलिंग रतन पुरस्कार की दो का किसे दिया गया है करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी विश्वभूषण हरिचंदन ठीक है वी ऑल नो हिम ये है आंध्र प्रदेश के गवर्नर हम सबको इनके बारे में पता है नेक्स्ट देखो ऑस्कर 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार किसने जीता है ऑप्शंस आपके सामने आई एम श्योर आपको इसका आंसर पता है दिस क्वेश्चन इज अगेन इंपॉर्टेंट क्योंकि ऑस्कर की कांस की जब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी नो मैडलैंड यहां पे मैं आपको ऐड कर दू ये तो चलो फिल्म का क्वेश्चन है

अपनी पुस्तक सनातन के लिए सरस्वती सम्मान 2020 किसने जीता है आपको बताना है अगेन अवार्ड बुक का क्वेश्चन है लेकिन अवार्ड से रिलेटेड है इसलिए अवार्ड टॉपिक में कवर किया गया है बुक का नाम उसने बता दिया है सनातन अवार्ड कौन सा मिला है सरस्वती सम्मान 2020 हजार ऑथर कौन है या बेसिकली वो किसने लिखी है जिनको ये अवार्ड मिला है ये आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर शरण कुमार लिंबाले अगर मैं इनकी बात करूं तो ये एक मराठी राइटर है ठीक है एंड उसके अलावा इस अवार्ड के लिए जो है एक मैंने जैसे आपको कहा कि साइटेशन प्लेक के अलावा जो कैश मनी है इसमें जो कैश मनी मिलती है दैट इज बिग अमाउंट नेक्स्ट देखो किस राज्य ने ई पंचायत पुरस्कार 2021 जीता है एज आई टोल्ड यू कि आईटी सेक्टर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है ई वाली जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चल रही हैं आजकल इलेक्ट्रॉनिक क्योंकि उसमें जुड़ चुका है करेक्ट आंसर आपको बताना है ई पंचायत पुरस्कार के लिए हरियाणा उत्तर प्रदेश राजस्थान पंजाब करेक्ट आंसर यहाँ पे है आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश अगर इसी पर्टिकुलर अवार्ड में मैं बात करू कि और कौन सी कौन सी लाइक like फर्स्ट तो समझ में आ गया सेकंड कौन है थर्ड कौन है अगर उसकी थोड़ी सी डिटेल की बात करें तो सेकंड पोजीशन और थर्ड पोजीशन दोनों ही दो दो स्टेट्स को मिला है सेकंड पोजीशन पे आए हैं असम और छत्तीसगढ़ एक साथ थर्ड पोजिशन पर आए हैं उड़ीसा एंड तमिलनाडु एक साथ ठीक है फर्स्ट पोजिशन सिर्फ उत्तर प्रदेश का है सेकेंड पोजिशन पे असम एंड छत्तीसगढ़ थर्ड पोजिशन पे ओडिशा एंड तमिलनाडु नेक्स्ट देखो प्रतिष्ठित विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 किसने जीता है यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम 2021 का किसने जीता है आपको बताना है ऑप्शंस आपके सामने हैं करेक्ट आप बता देंगे इन द मेन टाइम देखो थोड़ा डिस्क्रिप्शन अगर मैं आपको इसके दू तो जब बात हो रही है समथिंग रिलेटेड टू फूड वर्ल्ड फूड प्राइस तो जो भी चीज होगी वो खाने से ही रिलेटेड होगी फूड से रिलेटेड ही होगी है ना तो इस तरीके से अगर मैं बात करूं इन्होंने क्या चीज को ज्यादा यू नो प्रमोट किया है या इन्होंने क्या किस चीज को ज्यादा आगे बढ़ाने की कोशिश की है तो इनका जो काम है यहाँ पर वो एक्टिक फूड सिस्टम के लिए इन्होंने काम किया है एक्टिक फूड सिस्टम के लिए इनका प्रमोशन जो है उसके लिए रहा है कि उसको थोड़ा और प्रमोट किया जाए करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह थिलस्टैड अगेन नाम इनका बहुत ही डिफरेंट सा है तो आपको याद रहेगा नेक्स्ट देखो 2020 के लिए आईसीसी डेवलपमेंट अवार्ड्स का वैश्विक विजेता कौन सा देश है आपको बताना है समथिंग रिलेटेड टू आईसीसी क्रिकेट की बात कर रहे हैं हम लोग तो डेफिनेटली अगर आप किसी को अवार्ड दे रहे हो आईसीसी का डेवलपमेंट अवार्ड तो डेफिनेटली इन्होंने कोई कोई ना काम किया होगा क्रिकेट को क्रिकेट की ग्रोथ करने के लिए मार्केट लेवल पे उसको ग्रो करने के लिए ठीक है उसी तरीके से अवार्ड को भी दिया गया है किसको दिया गया है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ई ये सभी यानी ऑल जितनी भी ऊपर कंट्रीज है अर्जेंटीना ब्राजील युगांडा एंड वान क्लियर है नेक्स्ट देखो बहुत ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है 51 दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है आपको बताना है अगेन सारे नोन पर्सनालिटीज हैं अमिताभ बच्चन रजनीकांत विनोद खन्ना या फिर मनोज कुमार अगेन जहां पर रजनीकांत का नाम है तो डेफिनेटली अवार्ड उन्हीं का ही है रजनीकांत यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है इनको सम्मानित किया गया है बाय विद फिफ्टी फर्स्ट दादा साहेब फाल्के अवार्ड नेक्स्ट देखो पुस्तक अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन के लिए प्रतिष्ठित शेख जायेद पुरस, बुक पुरस्कार किसने जीता है बुक का नाम है तो डेफिनेटली बुक वाले हो सकता है तो इसको यहाँ पर याद रखना बुक का नाम क्या है अरेबिक ओरेशन आर्ट एंड फंक्शन अवार्ड मिला कौन सा है प्रेस्टीजियस अवार्ड है, है शेख जायेद बुक पुरस्कार फॉर द इवेंटी ट्वेंटी जीता किसना है जीता किसने है ये आपको बताना है करेक्ट आंसर यहाँ पे देख लो ऑप्शन कौन सा रहेगा ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर ताहिरा कुबुद्दीन वो बिल्कुल करेक्ट है ओके okay, नेक्स्ट देखो यूनेस्को वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइस के 2021 के विजेता के रूप में किसे नामित किया गया है मुख्तार खान मरिया रेसा जीनत बेदो या फिर यूनेस्को गिलर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइस बता दिया उसने 2021 किसको दिया गया है आपको बताना है आंसर करिए द मीन टाइम अगर मैं बात करूँ इस अवार्ड uh, को जीतने के लिए आपको क्या मिला है दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट हमने इतनी मेहनत की है हमने कुछ अवार्ड जीता है तो उसके बदले में जो कैश मनी इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए है दैट इजी फाइव थाउजेंड डॉलर ये भी ध्यान रखना पाउंड में है कि डॉलर में है यहाँ पर डॉलर की बात हो रही है ट्वेंटी फाइव थाउजेंड डॉलर जीता किसने है ऑप्शन नंबर बी मारिया रैसा ने नेक्स्ट देखो प्रतिष्ठित अलिन पाच ग्लोबल विजन पुरस्कार दो हजार इक्कीस इक्कीस सम्मानित किया गया है यानी ये प्रेस्टिजियस अवार्ड जो है आ, किसको जो है अवार्ड से ऑनर किया गया है सारी जस्टिस के नाम यहाँ पे मेंशन किए गए हैं राजेश बिंदल हिमा कोहली गीता मित्तल या फिर एनवी रमना अगेन सारे जस्टिस के नाम बहुत ही नोन एंड फेमिलियर से हैं कंफ्यूजन हो सकती है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी जस्टिस गीता मित्तल

किस भारतीय को सामाजिक विज्ञान श्रेणी दैट इज अगर मैं बात करूं सोशल साइंस कैटेगरी में स्पेन के शीर्ष अवार्ड से सम्मानित किया गया है कैटेगरी का नाम क्या है सामाजिक विज्ञान श्रेणी यानी सोशल साइंस कैटेगरी कैटेगरीज हमेशा ध्यान रखा करो अवार्ड का नाम प्रॉपर ध्यान रखा करो इंडियन है तो एनी आपके लिए इंपॉर्टेंट है करेक्ट आंसर आपको आप बताना है इन द मीन टाइम जो विनर है उन्होंने काम किया है उन्होंने उनकी उन्हों, बेसिकली जो रिसर्च स्टडी है वो फेमाइंस पे रही है ठीक है उसके अलावा इनकी जो स्टडी है वो पावर्टी पे रही है एंड पावर्टी से मतलब है कि इन्होंने कहा है कि पावर्टी होने की वजह से देर इज अज लेवल ऑफ इनइक्वालिटी जो पूरे अराउंड द कॉर्नर चल रही है इन इक्वालिटी चाहे वो जस्टिस के रिगार्डिंग हो इनइक्वालिटी चाहे वो यू नो हेल्थ सर्विसेज के लिए हो इनइक्वालिटी चाहे वो खाने के लिए हो तो हर लेवल पर जो है इन चल रही है तो इनकी जो स्टडी है फेमाइंस एंड पावर्टी पर है अवार्ड जो है वो दिया किसको गया है वो देख लेते हैं एक बार ऑप्शन नंबर बी जो है अमरते कुमार सेन यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट देखो किस भारतीय ने प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है अच्छा अब ये आंसर अगेन आप करिए अगर मैं इसके डिस्क्रिप्शन की बात करूं तो अगेन ये भी आपको पता होना चाहिए है हो सकता है कि आपको डायरेक्टली उसी तरीके से पूछा जाए यहाँ पर जो भी विनर है उन्होंने कैंपेन शुरू किया हुआ है जिसका नाम है फेमिलियल फॉरेस्ट्री ठीक है एंड इनका जो कैंपेन है लास्ट पंद्रह सालों से चलता आ रहा है एंड इनका कैंपेन साल चल रहा है आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाए कि फेमिलियल फॉरेस्ट्री कैंपेन जो है किसने शुरू किया है तो इस तरीके से भी क्वेश्चन हो सकता है uh, लेकिन यहाँ पर जो उनको अवार्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन बताया गया है कि, कि किस भारतीय ने प्रतिष्ठित यूनाइटेड नेशंस लैंड फॉर लाइफ अवार्ड 2021 जीता है ऑप्शन यहाँ पर आप चेक कर लेते हैं करेक्ट रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी श्याम सुंदर यानी क्लियर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कैंपेन का नाम भी बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्स्ट देखो किस भारतीय मूल के पत्रकार ने पुलित दो हजार जीता है ऑप्शन देख लो नील बेदी भव्या लाल या फिर मेघा राजगोपालन करेक्ट आंसर देख लेंगे वैसे यूजुअली क्योंकि हम लोग आपको पूरी डिटेल देना चाहते हैं तो यूजुअली जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम जो बोथ वाला होता है वो हमारे केस में करेक्ट है एग्जाम में वो करेक्ट नहीं होगा तो अगर मैं बोथ बता रही हूं तो नाम भी क्रॉस कर लेना एक बार एंड सी नील बेदी एंड मेघा राजगोपालन नाम पढ़ लेना एग्जाम में जरूरी नहीं है कि नीचे नील बेदी एंड मेघा राजगोपालन करेक्ट है इंडियन ओरिजिन के जर्नलिस्ट हैं जिनको दिया गया है पुलिस प्राइज दो ओके एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड से किस भारतीय को सम्मानित किया गया है दैट इज एशिया पैसिफिक प्रोडक्टिविटी चैंपियन अवार्ड किस इंडियन को ऑनर किया गया है आपको बताना है आंसर बताइए लेकिन मैं आपको आपको इनका छोटा सा डिस्क्रिप्शन दे देती आई थिंक आंसर पता चल जाएगा ये है अमूल के एम यानी मैनेजिंग डायरेक्टर है अमूल के आई थिंक इससे आपको आंसर क्लियर हो जाएगा करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका रहेगा ऑप्शन नंबर सी आर एस सोढ़ी क्लियर है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये ओके okay. नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस पुस्तक के लिए इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 किसने जीता है ट्रांसफॉर्मेशन इन टाइम्स ऑफ क्राइसिस बुक का नाम है अवार्ड क्या है इंटरनेशनल बिजनेस बुक ऑफ द ईयर अवार्ड ईयर क्या है ट्वेंटी जीता किसने है ये आपको बताना है अगेन जैसे मैंने आपसे अभी कहा कि हम लोग पूरी डिटेल देना चाहते हैं इसलिए हमारे केस में बोथ वाला आंसर करेक्ट है मैक्सिमम केसेस में बट बोथ में क्या है वो पढ़ लेना जेरीबेंड ए एंड बी है जेरीबिंड एंड नितिन राकेश ओके प्रतिष्ठित पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसने जीता है इनका नाम इतना यूनिक है कि आपको एनीवेज याद रहेगा बस आपको याद रखना है कि इनको अवार्ड मिला कौन सा है प्रेस्टीजियस पेन पिंटर प्राइस जो इनको दिया गया है ऑप्शन आपके सामने हैं जैसे मैंने आपसे कहा कि इनका नाम बहुत ही यूनिक है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी डांगरेम का ठीक है यूनिक नाम है एनीवेज anyway, स्ट्राइक रहता है हमें ऑप्शंस एनीवेज anyway, दिमाग में हमेशा रहेगा अब जैसे मैंने आपको एक बार नाम बोल दिया है ये आपके दिमाग में कहीं ना कहीं एनकाउंटर्ड रहेगा ऑल द टाइम ओके नेक्स्ट देख लो भारत सरकार ने किस श्रेणी में वर्ष 2018 के लिए प्रधानमंत्री श्रम पुरस्कारों की घोषणा की है पुरस्कार की घोषणा की है दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट हो सकता है आपसे सिर्फ कैश प्राइस के रिगार्डिंग भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए क्वेश्चन है कि प्राइम मिनिस्टर ने श्रम अवार्ड्स जो है अनाउंस किए दो हजार के लिए कौन सी कैटेगरी में करेक्ट आंसर सिर्फ कैश मनी के बेसिस पे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो कैश मनी आपको पता होने इज वेरी इंपॉर्टेंट मैं आपको एक सिक्वेंस में बता रही हूँ इसी तरीके से याद रहोगे तो कैश मनी याद रहेगी सबसे पहले आप यहाँ पे ध्यान रखना सबसे जो आ, जिसका प्राइस कैश प्राइस सबसे ज्यादा है दैट इज श्रम भूषण इसका जो कैश मनी है कैश प्राइस जो है दैट इज वन लाख रुपीज उसके बाद आपके पास आता है श्रम वीर या फिर वीरांगना सेकेंड नंबर पे आता है उसका जो कैश मनी दैट इज सिक्सटी थाउजेंड रुपीज एंड लास्टली आपका आता है श्रम श्री या फिर श्रम देवी पुरस्कार इसका जो कैश मनी है दैट इज फोर्टी थाउजेंड रुपीज तो हाई से लो में रखोगे तो इजी रहेगा सबसे पहले यू हैव श्रम भूषण एक लाख का कैश प्राइस श्रम वीर या फिर वीरांगना श्रम, श्री या फिर दे, श्रम देवी फोर्टी थाउजेंड रुपीज देखो। भारत में तंबाकू की खपत को नियंत्रित करने के प्रयासों के लिए डब्ल्यू के महानिदेशक विशेष पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है यानी डब्ल्यू डायरेक्टर जनरल स्पेशल अवार्ड फॉर दी एफर्ट्स टोबैको कंजम्पशन इन इंडिया को इफेक्टिवली कंट्रोल करने के लिए डब्ल्यू के डीजी स्पेशल अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है आपको बताना है अगेन नाम देख लो सब बहुत ही फेमस एंड नोन नाम है चलिए ऑप्शन देख लीजिए आपके पास कौन से कौन से हैं ऑप्शन आपके पास नवीन पटनायक देन यू हैव प्रकाश जावेडकर देन यू हैव नितिन गडकरी एंड डॉक्टर हर्षवर्धन ठीक है करेक्ट आंसर यहाँ पर देख लेंगे ओके करेक्ट आंसर यहाँ पे आपके पास रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर हर्षवर्धन

ऑफ कंजर्वेशन ऑफ डोमेस्टिकेटेड स्पीशीज में किसको दिया गया है आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए अगेन मैंने आपसे इजिली बहुत ही सिंपल शब्दों में कहा है एनवायरमेंट कंजर्वेशन दो नाम फॉर श्योर sure दिखेंगे जादव पाएंग एंड सुंदरलाल बहुगुना दो नाम देखो देखोगी में वही मेंशन है लेकिन इनमें से कोई भी वो करेक्ट आंसर नहीं है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी शाजी एन ए कभी कभी क्या होता है कि हमें जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ पे करेक्ट आंसर नहीं पता था लेकिन सीओी में फेमिलियर नाम होने की वजह से हम इनमें से कोई एक मार्क कराते हैं ठीक है तो ये चीज ध्यान रखना नेक्स्ट देखो किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को पद्म विभूषण पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया यह आपको बताना है जापान नेपाल श्रीलंका बांग्लादेश प्रधानमंत्री है फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है किसी पर्टिकुलर कंट्री के तो आई थिंक जब हम ऐसा सुनते हैं तो एकदम से एक ही नाम स्ट्राइक आता है वो है शिंजो अबे का जो बिल्कुल करेक्ट है एंड वो जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे स्पेलिंग बता देती देते आपको शिंजो अबे ठीक है जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं जिनको दिया जिनको सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण अवार्ड 2021 से नेक्स्ट देखो वर्ष 2020 के लिए गांधी शांति पुरस्कार के लिए किसे नामित किया गया है आपको बताना है ऑप्शन देख लीजिए सारे अगेन बहुत ही नोन अपने अपने जोन के बहुत ही नोन नोन पर्सनैलिटीज हैं गांधी पीस प्राइज दो के लिए इनको नामित किया गया है करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर ए बगबंधु शेख मुजीबर रहमान अगेन बहुत ही नोन पर्सनैलिटी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रतिष्ठित व्यास सम्मान 2020 से किसे सम्मानित किया गया है आपको बताना है ऑप्शंस आपके सामने है करेक्ट आंसर करेक्ट आंसर देख लो यहां पर अगर मैं इनके थोड़ी से और डिस्क्रिप्शन दू नाम मैंने आपको बता दिया अवार्ड का दैट इज प्रतिष्ठित या प्रेस्टीजियस व्यास सम्मान 2020 की बात हो रही है ठीक है ऑप्शन देख लीजिए डिस्क्रिप्शन की अगर मैं बात करूं ये एक हिंदी राइटर है ठीक है उसके अलावा इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए जो कैश प्राइज है दैट इज फोर लाख रुपीज प्रोफेसर है यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर बी प्रोफेसर शरद पगारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्यास सम्मान 2020 की बात हो रही है एक हिंदी राइटर है कैश मनी के तौर पर चार लाख रुपए जो यहाँ पर मिलते हैं ग्लोबल विमेन ऑफ एक्सलेंस दो पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है अगेन सारी पर्सनैलिटीज नोन निर्मला सीतारामन स्मृति ईरानी तमिलसाई किरण बेदी करेक्ट आंसर देख लेंगे दैट इज ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है तमिलसाई सौंदर राजन बिल्कुल करेक्ट है एंड वी ऑल नो ये तेलंगाना की गवर्नर है तमिलसाई सौंदर राजन अपने लेवल पे शी इज एन अमेजिंग पॉलिटिशियन कह लो वर्कर कह लो बहुत अच्छा काम करती है ये इनको जो है ग्लोबल वुमेन ऑफ एक्सीलेंस दो का अवार्ड जो है दिया गया है ओके okay. महावीर चक्र पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है आपको बताना है अगेन एक गैलेंट्री अवार्ड की बात कर रहे हैं महावीर चक्र अवार्ड 2021 किसको दिया गया है आपको बताना है ऑप्शन <coughs> देख लीजिए करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन नंबर ए कर्नल बी संतोष बाबू पहले वाला हमने देखा था एक वो लेकिन वो मरनो प्रांत की बात हो रही थी वहां पे आंसर करेक्ट था आपका बाबूराम राम यहाँ पे बात हो रही है महावीर वो अवार्ड भी अलग था वो अशोक चक्र था यहाँ पे बात हो रही है महावीर चक्र की आंसर है यहाँ पे कर्नल बी संतोष बाबू किस भारतीय मूल के लेखक कवि ने हाउ टू वॉश ए हार्ट पुस्तक के लिए प्रतिष्ठित टीएस एलियट पुरस्कार जीता है आपको बताना है अगेन नाम देख लो समवेयर आपने सुने ही होंगे बुक का नाम है यहाँ पर हाउ टू वॉश ए हार्ट जीता है इन्होंने प्रतिष्ठित टीएस एलियट पुरस्कार इस पर्टिकुलर बुक के लिए इंडियन ओरिजिन के ऑथर पोएट हैं करेक्ट आंसर बताना है ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर भानु कपिल बिल्कुल करेक्ट है नेक्स्ट देखो अगेन इसमें जो है सिर्फ नाम से इंपॉर्टेंट आपको अवार्ड की डिस्क्रिप्शन भी बहुत सारी है जो हम डिस्कस कर लेंगे एक बार ओके <coughs> okay. सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक से मरणोपरांत किसे सम्मानित किया गया है ये आपको बताना है आंसर आप ऑप्शन आपके सामने करेक्ट आंसर बताइए मैं इतनी देर आपसे अवार्ड थोड़ा सा डिस्कस कर लेती हूँ सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक इसमें जो है इस पर्टिकुलर अवार्ड से इस पर्टिकुलर सीरीज में तीन अवार्ड हैं सबसे पहले देख लिया हमने सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक सेकेंडली वी हैव उत्तम जीवन रक्षा पदक बाकी सारा सेम है सर्वोत्तम की जगह बस उत्तम एंड थर्डली कोई सर्वोत्तम नहीं कोई उत्तम नहीं ओनली जीवन रक्षा पदक ठीक है ये तीन तरीके के अवार्ड्स हैं लेकिन यहाँ पे बात हो रही है सर्वोत्तम जीवन रक्षा पदक की पोस्ट ह्यूमसली जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है करेक्ट जो आपका आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद मोहसिन क्लियर है अवार्ड के डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दी है लेकिन इस पर्टिकुलर नाम से नाम के हिसाब से पोस्ट ह्यूमसली जो अवार्ड है ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद मोहसिन को दिया गया है अब यही पर्टिकुलर क्वेश्चन जो है हम लोग एक एक और टॉपिक भी करते हैं जो मरणोप्रांत वाले जितने भी टॉपिक नाम होते हैं हम लोग उसमें देखते हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक में भी हो ठीक है तो इसको यहाँ पे याद रखना नेक्स्ट देखो कैनेडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड ने किस पूर्व केंद्र मंत्री को सम्मानित किया है आपको बताना है कैनेडा के हिंदी राइटर्स गिल्ड ने ठीक है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर की बात हो रही है कौन है वो पीयूष गोयल स्मृति ईरानी रमेश पोखरियाल निशंक या फिर प्रकाश जावड़कर कर, आपको मैं डिस्क्रिप्शन दे देती हूँ आप इजीली इसका आंसर कर पाएंगे ये हमारे फॉर्मर यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर हैं एजुकेशन मिनिस्टर आई थिंक अब आपको इसका आंसर पता चल गया होगा करेक्ट आंसर यहाँ नंबर सी रमेश पोखरियाल निशंक इनकी जो इस पूरे टेन्योर में जो मेन चीज जो है जो मेन डिफरेंस हमें देखने को मिला था दैट वॉज इन्होंने कितने सालों के बाद एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी फ्रेम अप की थी जो पता नहीं कितने साल से हम लोग पुरानी फॉलो कर रहे थे न्यू जो है इन्हीं के टेन्योर में आई थी नेक्स्ट देखो सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए किसे चुना गया है आपको बताना है आपदा का मतलब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट का कोई अवार्ड है ठीक है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किस क्यों इस अवार्ड के लिए चुना गया है आपको बताना है ऑप्शंस आपके सामने हैं, अगर मैं बात करूं इस अवार्ड के डिस्ट्रीब्यूशन की तो ये अवार्ड जो है हर साल ट्वेंटी जनवरी को अनाउंस किया जाता है ऑन दी ओकेजन ऑफ बर्थ एनिवर्सरी ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस ठीक है तो ट्वेंटी थर्ड जनवरी को हर साल इसको अनाउंस किया जाता है क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस का बर्थ एनिवर्सरी होता है तो 2021 वाला जो अवार्ड है वो किसको दिया गया है आपको बताना है ओके करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी राजेंद्र कुमार भंडारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो यूनेस्को ने किस महान नेता के नाम पर रचनात्मक अर्थव्यवस्था दैट इज क्रिएटिव इकोनॉमी के क्षेत्र में एक अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार यानी इंटरनेशनल प्राइस जो है शुरू करने का निर्णय लिया है नाम देख लो में सारे के सारे महान नेता है महात्मा गांधी शेख मुजीबर रहमान अटल बिहारी वाजपेयी या फिर गिरिजा प्रसाद कोइराला करेक्ट आंसर जो यहां पे रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी शेख मुजिबर रहमान क्या फील्ड है इनकी या फिर जो बोलते हैं ना क्षेत्र क्या है इसका क्रिएटिव इकोनोमी नेक्स्ट देखो किस भारतीय मूल के लेखक ने उपन्यास ट्रिक का अनुवाद करने के लिए जॉन फ्लोरियो प्राइस जीता है आपको बताना है इट्स बेसिकली ट्रांसलेटेड बुक ट्रांसलेशन के लिए जो है है अवार्ड किसने जीता जॉन फ्लोरियो अवनी दोषी लाड़ी अरविंद अडीगा या फिर गीता पिरामल uh, अरविंद अडीगा का नाम भी हम लोग बहुत ज्यादा सुनते हैं लेकिन यहाँ पे वो करेक्ट नहीं है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी झुम्पा लाहड़ी इस पर्टिकुलर अवार्ड के लिए दैट इज जॉन फ्लोरियो प्राइज इसके लिए जो है दो हजार पाउंड रुपीज का जो है उंड का जो है एक कैश प्राइस रखा हुआ है विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड दैट इज सर्ब महिला उत्कृष्टता पुरस्कार दो हजार इक्कीस इक्कीस से सम्मानित किया गया है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सर्ब की फुल फॉर्म ही इज वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है हो सकता है हम लोग किसी और टॉपिक में सिर्फ सर्ब की फुल फॉर्म देख रहे हो तो इसलिए इसकी फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड आइडिया आपको लग चुका है जो भी काम हो रहा है दैट इज ऑन आइडियाज आप रिसर्च कर रहे हो एंड आपका रिसर्च आइडिया जो है आउट ऑफ बॉक्स है तभी आपको एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया होगा दिया किसको गया है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई पर उपरोक्त सभी यानी ऑल ऑफ शोभना कपूर अंतरा बैनर्जी सोनू गांधी एंड रितु गुप्ता अब मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था जो हम लोग अवार्ड की बात करते हैं वहां पे आपको कैश प्राइज दिया जाता है लेकिन मैंने आपको कहा था कि कैश प्राइज एंड ग्रांट ये दोनों चीजें अलग होती हैं ठीक है अब यहाँ पर जो है इनको कैश प्राइज नहीं इनको मिला है ग्रांट सबको कितने रुपए का इनको मिला है पंद्रह लाख रुपए का ग्रांट फॉर थ्री इयर्स ठीक है फॉर पीरियड ऑफ इयर्स तो जो भी इनका क्योंकि रिसर्च बोर्ड है तो डेफिनेटली इनके पास सम इज समथिंग गोइंग ऑन इन देयर हेड इनके पास कोई आइडिया है जिसको ये एग्जीक्यूट कर रही है बहुत अच्छा कर रही हैं जिसके वजह से इनको ये ग्रांट मिला पंद्रह पंद्रह लाख इज अ बिग अमाउंट ठीक है तो इससे जो है पंद्रह लाख की ग्रांट है कोई कैश प्राइज नहीं है इनको ग्रांट दिया गया है जिसको वो यूज करेंगे अपने रिसर्च आइडियाज को और बेटर एग्जीक्यूट करने के लिए एंड ये पैसा जो है तीन साल के ड्यूरेशन के लिए इनको दिया गया है नाम चार है इनको ध्यान रखना शोभना कपूर अंतरा बैनर्जी सोनू गांधी एंड रितु गुप्ता ऑल्सो फुल फॉर्म इज वेरी इंपॉर्टेंट साइंस एंड इंजीनियर साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड नेक्स्ट देखो किस राज्य के मुख्यमंत्री को स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको बताना है स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर को दिया गया है तेलंगाना उड़ीसा आंध्र प्रदेश या फिर केरल यह आपको बताना है करेक्ट आंसर यहां पर रहेगा ऑप्शन नंबर सी आंध्र प्रदेश बेसिक सा क्वेश्चन किस राज्य के अनंतपुर जिले के आ, किस राज्य के अनंतपुरमु जिले को प्रधानमंत्री किसान राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है अगेन अभी अभी हमने पिछला क्वेश्चन देख लो ये भी आंध्र प्रदेश का ही क्वेश्चन था जहां पे वो बात कर रहे हैं स्कॉच चीफ मिनिस्टर ऑफ द ईयर अवार्ड की सेम वे से अनंतपुर जिले की बात कर रहे हैं अगर आपको इतना डिस्क्रिप्शन नहीं पता है सिर्फ अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट के बारे में भी पता है तब भी आपका क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा क्योंकि हाँ पर भी करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है आंध्र प्रदेश किस भारतीय सामाजिक कार्यकर्ता को यूएसए द्वारा अंतरराष्ट्रीय भ्रष्टाचार निरोधक चैंपियंस पुरस्कार के विजेता के रूप में नामित किया गया है यानी आपको बताना है कि वो कौन है इंडियन सोशल एक्टिविस्ट जिनको नाम नियमित नेम किया गया है एज द विनर किस चीज का इंटरनेशनल एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड्स का बाय यूएसए ठीक है मेघा पाटकर अंजलि भारद्वाज किरण बेदी या फिर अन्ना हजारे ऑप्शंस देखो मैं वही वाले डिस्कस कर रही हूँ जो बहुत ही फेमस नाम है करेक्ट आंसर यहाँ पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी अंजलि भारद्वाज देखो जब हम लोग बात कर रहे हैं एंटी करप्शन की तो ऑफकोर्स इनका एक ही थॉट प्रोसेस है कि ये प्रमोट कर सके ट्रांसपेरेंसी को जितनी पारदर्शिता हमारे काम में होगी करप्शन एनीवेज जो है कम होता रहेगा तो ट्रांसपेरेंसी को प्रमोट करने के लिए जो है इनको ये अवार्ड पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है बाय यूएसए नेक्स्ट देखो पीएम किसान योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है आपको बताना है देखो अगर मैं बात करूं इस पीएम किसान स्कीम की यहां पर जो टॉपिक है दैट इज हाईएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज ऑथेंटिकेटेड यही सेम चीज जो है अलग अलग कैटेगरीज में की गई है चाहे वो आधार वेरिफिकेशन के लिए हो या फिर कहते हैं ना इंट्रोडक्शन के लिए हो या लोगों को इन्वॉल्व करने के लिए हो ऐसे एन नंबर ऑफ इन्होंने कैटेगरीज रखी हुई थी कैटेगरी यहां पे जो है दैट इज हाइएस्ट नंबर ऑफ बेनिफिशरीज ऑथेंटिकेटेड इस, इस पर्टिकुलर कैटेगरी में जो आपको करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक नेक्स्ट देखो तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए यानी बिहारी पुरस्कार किसने जीता है आपको बताना है तस्लीमा संघर्ष और साहित्य एडिशन बताया है अगर एडिशन पता है 30th well एडिशन है बिहारी पुरस्कार का जीता किसने है आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मोहन कृष्ण बोहरा नेक्स्ट देखो किस देश के डॉक्टर एंथनी फाउची को डेन डेविड पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अवार्ड का नाम है डैन डेविड प्राइस ईयर है 2021 उस अवार्ड किसको दिया है वो उसने anyways, आपको क्वेश्चन में ही बता दिया है डॉक्टर एंथनी फाउची पर वो कौन सी कंट्री के हैं ये आपको बताना है यहाँ पर करेक्ट आंसर है एंड इनका जो काम रहा है दैट इज फॉर डिफेंडिंग साइंस ठीक है

इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया का करेक्ट आंसर आई थिंक इसका आपको पता होगा ऑप्शन नंबर जो है आपका बी इनटू द डार्कनेस बिल्कुल करेक्ट है तो ये हमारा 55 मतलब हमने पचपन क्वेश्चंस को कवर कर लिया है एंड हमारे आई थिंक हार्डली द 15 क्वेश्चंस बचे होंगे ठीक है तो आई एम होपिंग कि 55 में आपके एटलीस्ट यहां पर 45 46 क्वेश्चंस करेक्ट होंगे अभी तक मैं इतनी ज्यादा अभी उम्मीद नहीं करूँ होंगे कही कहीं ना कहीं कंफ्यूजन हो जाती है बट तक आपके करेक्ट होने चाहिए इक्कीस से सम्मानित किया गया सलमान खान अमिताभ बच्चन अक्षय कुमार या फिर आमिर कोर्स इतने सारे नाम में एक फेमस पर्सनालिटी जो है वो फेमस तो सारे ही एक खैर बट अगर सबसे टॉपर कोई हो सकता है तो अमिताभ बच्चन ही हो सकते हैं तो इनको जो है दिया है, देखा है जिसमें इन्होंने अपनी एज के हिसाब से जो है जो एक काम कर रहे हैं उनका मेकअप इतना जादा, इतना ज्यादा उन्होंने किया हुआ था कि यू कांट इमेजिन की इस एज में भी वो टच पूरे के पूरे एक्टिव है चलो नेक्स्ट देखो वेन गॉड इज अ

साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है मुझे तो समझ ही नहीं आता आप इतनी एफर्ट्स करते हो एंड उसके बाद अवार्ड ही नहीं लेते हो बट एनी में रीजन होगा ऑप्शन आपके सामने अवार्ड का जो बुक का नाम था दैट वॉज उदिया एंड इन्होंने जो है साहित्य अकादमी पुरस्कार लेने से इन्होंने बेसिकली उसको एक्सेप्ट करने से रिफ्यूज कर दिया करेक्ट आंसर यहां पे रहेगा ऑप्शन नंबर बी नंदा खरे नेक्स्ट देखो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म ने हासिल किया है मणिकर्णिका या फिर मरक् करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी मरक्कार नाउ मैं यहाँ पर पहले ही ऐड कर दू क्वेश्चन इज इंपोर्टेंट दूसरी चीज आपको इस क्वेश्चन में इतना ज्यादा डाउट रहता है क्योंकि आप लोगों को लगता है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है छिछोरे क्वेश्चन को प्रॉपरली रीड करो उसने आपसे पूछा है कि बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किसको दिया गया है, को भी मिला है लेकिन उसको बेस्ट हिंदी फिल्म जो रहेगा दैट इज छिछोरे अगर आपसे पूछा गया है बेस्ट फीचर फिल्म के लिए देन इट विल बी मरक् ठीक है क्वेश्चन को ढंग से रीड करो फिल्म का नाम यहाँ पे याद रखना नेक्स्ट देखो किस भारतीय शहर ने भारत व्यापार संवर्धन संगठन आईटीपीओ दैट इज इंडिया ट्रेड प्रमोशन संगठन में प्राप्त किए हैं ठीक है तो किस भारतीय शहर ने आईटीपीओ द्वारा तीन स्मार्ट सिटीज इंडिया एस पुरस्कार प्राप्त किए हैं आपको बताना है नई है, तो है, है, दिल्ली हैदराबाद बेंगलुरु कोलकाता थिंग इज कि जब मैं जब भी ओ, मैं अपनी बात करूं जब भी हम लोग ट्रेड वाली बात करते हैं तो दिमाग में दो नाम बहुत पहले आते हैं दैट इज हैदराबाद एंड बेंगलुरु ठीक है तो यहां पर भी करेक्ट आंसर इनमें से कोई एक है उससे आंसर आप मीन टाइम अगर मैं बात करूं कि जो तीन अवार्ड है वो कौन सी कौन सी कैटेगरी में है सबसे पहले है ग्रीन एंड क्लीन सिटी ग्रीन एंड क्लीन सिटी सेकेंडली इनको जो है स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल कैटेगरी में मिला है स्मार्ट वेस्ट डिस्पोजल एंड थर्डली स्टार्टअप ठीक है तो ये जो है तीन कैटेगरीज हैं जिसमें जो है इनको अवार्ड मिला है स्मार्ट सिटीज इंडिया वाला जो है अवार्ड इनको, इनको मिला है जीता किसने है ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ है पर हैदराबाद बिल्कुल करेक्ट है ओके रॉटरडेम फिल्म फेस्टिवल 2021 में किस भारतीय फिल्म में प्रतिष्ठित टाइगर पुरस्कार जीता है आपको बताना है कुजंगल हेलारो या फिर विलेज रॉक स्टार ठीक uh, है क्वेश्चन है रोटरडेम फिल्म फेस्टिवल दो इंडियन फिल्म है प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड किसने जीता है उसने बताया है हुआ आपको का नाम भी Correct answer पे आपका रहेगा okay, वही uh, थोड़ा सा चल रहा है फिल्म वाला अवार्ड है गोल्डन स्पेरो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल दो में किस फिल्म ने चार पुरस्कार जीते हैं जलीकट्टू पेबल्स सीजू या फिर बिट्टू करेक्ट आंसर अब इन इन दिस केस जो रहेगा दैट इज ऑप्शन नंबर सी सी जो अब देखो अगेन पेबल्स का भी मेंशन किया हुआ है कंफ्यूजन हो सकती है पिछले वाले में पेबल्स वाला क्वेश्चन था वाला यहाँ पर सी जो करेक्ट आंसर रहेगा तो अगेन आपको ध्यान क्या रखना है का नाम बहुत ध्यान से पढ़ो फिल्म का नाम बहुत ध्यान से पढ़ो हमें लगता है फिल्म वाले क्वेश्चन एक्टर्स वाले क्वेश्चन हम लोग इजिली कर पाएंगे ऐसा जरूरी नहीं है तो ध्यान से देखना नेक्स्ट देखो किस भारतीय उद्यमी ने यूएनईपी 2020 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड जीता है नाम देख लो करेक्ट आंसर बताना है यूएनईपी बी ऑल अंडरस्टैंड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम है ये आपका करेक्ट आंसर आपको बताना है यूएनईपी का 2020 यंग चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी विद्युत मोहन ओके okay, जनागृह सिटी गवर्नेंस अवार्ड्स में किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार जीता है आपको बताना है गुजरात ओडिशा मध्य प्रदेश केरल इसी सेम जो बेस्ट स्टेट अवार्ड हम लोग दे रहे हैं यहाँ पे टॉपिक है सिटी और अलग अलग कैटेगरी कर लेते हैं जनाग्रह सिटी गवर्नेंस अवार्ड किसको मिला है इन दैट केस करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी ओडिशा बाय चांस आपसे वो पूछ ले बेस्ट स्टेट लिख देती हूं बेस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन बाई चांस ये आपको क्वेश्चन में आ जाए कि किसको कौन सी स्टेट ने जो जीता है बेस्ट स्टेट इलेक्शन कमीशन का अवार्ड इन दैट केस आपका आंसर होगा गुजरात सेम तरीके से अगर आपसे बेस्ट स्टेट फाइनेंस कमीशन इन दैट केस आपका आंसर हो जाएगा केरला ठीक है तो अगेन अब अलग अलग स्टेट्स अलग अलग कैटेगरीज अलग अलग अवार्ड एक ही है ठीक है तो ये चीज़ ध्यान रखना है। बात अगर करेंगे जनाग्रह सिटी अवार्ड ओडिशा को मिला है अवार्ड से सम्मानित किया गया है आपको बताना है एज आई टोल यू बहुत ज्यादा आजकल चीज ऑल राउंड कॉर्नर हम लोग यही बात कर रहे थे कि चीजों को इलेक्ट्रॉनिक वे से करो वो मैनुअल काम खत्म करो ठीक है तो हमने ई पंचायत वाला देखा था दैट वॉज गिवन टू उत्तर प्रदेश यहाँ पे बात हो रही है ई गवर्नेंस के लिए स्कॉच चैलेंजर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है करेक्ट आंसर जो यहाँ पे रहेगा दैट इज ट्राइबल अफेयर्स ठीक है affairs, तो मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स दैट इज जनजातीय मामलों के मंत्रालय इनको जो है ये पर्टिकुलर अवार्ड से सम्मानित किया गया है भारत के अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इंडियन पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है अगेन सारे नाम बहुत इंपॉर्टेंट है सारे बहुत नोन है सोनू सूद वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन या फिर विश्वजीत चैटर्जी अमिताभ बच्चन वाला क्वेश्चन हम लो लोग ऑलरेडी कवर कर चुके हैं यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है विश्वजीत चैटर्जी इनको जो है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया में दिया गया है ऑनर किया गया है विद इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चैटर्जी की अगर मैं बात करूं हैं, है ये एक म्यूजिशियन भी है बेसिकली सिंगर भी है एक वेटरन एक्टर भी है डायरेक्टर भी है प्रोड्यूसर भी है तो इन्होंने ऑलमोस्ट हर फील्ड को कवर कर रखा है एंड अगेन अपनी फील्ड में बहुत अमेजिंग है चलो नेक्स्ट देखो यहां पर वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 के लिए पहली भारतीय और एशियाई महिला के रूप में किसे चुना गया है तो I don't need कि इसको बताने की जरूरत पड़ेगी कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अवार्ड है एक तो पहली इंडियन है, है जिनको अवार्ड दिया गया है रेखा मैन कृति के कारण आर पदमावती या फिर वैशाली एस हिवासे अगेन सारे नाम कहीं ना कहीं आपने सुने होंगे करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी कृति के कारण वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट देखो छत्तीसगढ़ वीरनी पुरस्कार से सम्मानित करने के लिए किस धावक का चयन किया गया है यानी स्प्रिंटर की बात हो रही है एंड बाई चांस देखो वो में आपको इतना कंफ्यूज करेंगे कि स्प्रिंटर्स के नाम ही आपको एड करके दिए हैं ऑप्शन में भी लेकिन जो है आपको बताने की किस प्रिंटर को सिलेक्ट किया गया है कि उनको ऑनर किया जाए विद छत्तीसगढ़ वीरनी अवार्ड करेक्ट आंसर आपका रहेगा ऑप्शन नंबर बी दूती चंद नेक्स्ट देखो क्वेश्चन अपने आप में बहुत सारी डिस्क्रिप्शन को ऐड कर रहा है कलिंग साहित्य उत्सव जो बेसिकली है आपका कलिंग लिटरेली फे, लिटरेरी फेस्टिवल इन्होंने क्या किया है कि अपने मिस्टिक कलिंग पुरस्कार और मिस्टिक इंडिया फेस्टिवल लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड का नाम जो है किसके नाम पर रखने की घोषणा की है ये आपको बताना है ये भी जो जो भी करेक्ट आंसर है वो एक ओडिया एंड इंग्लिश राइटर है एंड इंग्लिश राइटर है तो इनके नाम पर जो है अगेन जब आप किसी के नाम पर किसी पर्सनालिटी के नाम पर कोई नाम अपनी चीज का नाम रखते हो चाहे वो स्टेडियम का नाम हो चाहे वो किसी यू you नो know, uh, किसी चीज जैसे अवार्ड के नाम की बात कर रहे हैं हम लोग कोई भी अवार्ड आप चीज कर रहे हो इस तरीके से तो ऑफकोर्स वो उन्होंने अपनी फील्ड में बहुत अच्छा काम किया है एंड जस्ट सॉर्ट ऑफ कमेमोरेशन की आप उनके याद में चीज कर रहे हो उसी सेम तरीके से यहाँ पर भी किया गया है करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी मनोज दास नेक्स्ट देखो वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी रंजीत सिंह आई थिंक ये आपको आंसर पता ही होगा uh, महाराष्ट्र में इन्होंने फीमेल एजुकेशन गर्ल एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है इसको प्रमोट करने के लिए दूसरा इन्होंने जो है सजेस्ट किया है कि जो आपकी टेक्स्ट बुक्स होती हैं उसमें क्यू कोड को ऐड किया जाए जिससे काम जो है और इजीली एक्सेस किया जा सके नेक्स्ट देखो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद आईसीएआर फुल फॉर्म एक बार इंग्लिश में भी देख इंपॉर्टेंट है बीस बोल, बोल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है बस आपको बताना है कि आईसीएर के डी जी दट इज महानिदेशक डायरेक्टर जनरल कौन है सिर्फ इतना क्वेश्चन भी हो सकता है कि प्रतिष्ठित राजा भूमि बोल विश्व मृदा दिवस 2020 पुरस्कार से से सम्मानित किया गया है तो आपको पता होना चाहिए था दैट ए आर सिर्फ इतना क्वेश्चन भी बनता है फिलहाल आपको आईसीएर के डीजी का नाम बताना है दैट इज ऑप्शन नंबर सी त्रिलोचन महापात्र किस राज्य uh, के मुख्यमंत्री सॉरी किस राज्य के स्वास्थ्य मंत्री को मदर टेरिज्म मेमोरियल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है यानी आपको बताना है कि कौन से स्टेट के हेल्थ मिनिस्टर जो है उनको ऑनर किया गया है विद मदर टेरिज्म मेमोरियल अवार्ड 2020 उत्तर प्रदेश ओडिशा आंध्र प्रदेश या फिर केरल मैं आपको उन पर्टिकुलर हेल्थ मिनिस्टर का नाम बता रही हूं आपको स्टेट आएगा आए तो उनका नाम है के के शैलजा ठीक है आई थिंक इससे आपको जो है पता चल जाएगा कि आप स्टेट कौन सा करेक्ट है दैट इज ऑप्शन नंबर डी केरल तो केरल के जो हेल्थ मिनिस्टर इनको मदर टेरिजन मेमोरियल अवार्ड दो से सम्मानित किया गया है ओके डीआरडीओ वैज्ञानिक ऑफ द ईयर डीआरडीओ के वैज्ञानिक ऑफ द ईयर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है भी ऑल अंडरस्टैंड इसका जो है साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अवार्ड है एक बहुत ही हाईटेक अवार्ड है दिया किसको गया है आपको बताना है ऑप्शन आपके सामने है करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी हेमंत कुमार पांडे किस नेता को अमेरिका के प्रतिष्ठित तो लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड प्रदान किया गया है आपको बताना है नरेंद्र मोदी स्कॉट मॉरिसन शिंजो अबे या फिर उपरोक्त सभी अगेन इंपॉर्टेंट नाम इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटीज इंपॉर्टेंट अवार्ड ठीक है तो किस कौन से लीडर को जो है ये यूएसए का लेजन ऑफ मेरिट अवार्ड जो है प्रेजेंट किया गया है करेक्ट आंसर है मोदी वी ऑल नो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं शिंजो अबे जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं ठीक है डिस्क्रिप्शन आई थिंक आप सबको पता है वेरी इंपॉर्टेंट अवार्ड लास्ट क्वेश्चन देखो उपन्यास शुगी उपनयासन के लिए बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता है आपको बताना है इंपॉर्टेंट अवार्ड है ये एनिवेल uh, उसने आपको नॉवल का नाम बता दिया है ये भी ध्यान रखना शुगी बैन अवार्ड है बुकर पुरस्कार 2020 तो बेसिकली बुक नॉवल जो है, है किसकी आपको बताना है ऑप्शंस uh, आपके सामने हैं करेक्ट आंसर रहेगा यहां पे ऑप्शन नंबर बी डगलस स्टुअर्ट तो ये हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए जो है लास्ट क्वेश्चन था वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेम टाइम तो आपको ध्यान रखना है सेवेंटी फाइव क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं आई एम होपिंग कि आपके यहां पे सिक्सटी प्लस क्वेश्चंस जो होंगे डेफिनेटली करेक्ट होंगे बाय गाइस आई सी इन माय नेक्स्ट सेशन